ओके, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का मेरा वीलोग बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अकी लकी चैनल। गाइस, आज का जो वीलोग है वो मैं बहुत अलग और बहुत ही अलग तरीके से बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज जो है मैं देने जा रहा हूँ काइंड ऑफ खुशखबरी कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया है कि हमने हासिल कर लिया है अपना एडसन पेन। सो वो मैं काइंड को दूंगा थोड़ा ड्रामाटाइजेशन के साथ, उसे बिल्कुल नहीं बताऊंगा, घर में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, एक गेम क्रिएट करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने हासिल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं और आप लोगों की कोशिशों से अपना पिन। सो फ्रेंड्स, आप तमाम लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा, स्टक रहेगा और मेरे लिए दुआएं कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए दुआएं कीजिएगा। आप लोगों के लिए हम दुआएं करते हैं, आप लोगों के साथ हैं, आपसे बहुत प्यार करती है मेरी फैमिली। तो मैं अपनी तमाम YouTube फैमिली का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उनकी मोहब्बत, तआवुन और उनके इखलाक के साथ मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, मेरी फैमिली इस मुकाम पर पहुँची है। तो आप लोगों का तआवुन ऐसे रिक्वायर्ड है। तो अब चलते हैं, करते हैं कुछ ड्रामा और देते हैं अपने घर वालों को सरप्राइज। गाइस, अब मैं कायनात को बुलाने जा रहा हूँ और ये सरप्राइज उस तक पहुँचाने जा रहा हूँ। कायनात, हाँ मैडम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम टू माय YouTube फैमिली। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले इस क्लिप में, छोटा सा क्लिप मैंने पहले बनाया, उसको बताया कि मैं कायनात को आज सरप्राइज गिफ्ट में देना चाह रहा हूँ। तो कायनात को कायनात को समझ में नहीं आ रहा कि मतलब आज का वीडियो क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं। अगर कोई गिफ्ट मिलने वाली बात है तो फिर तो खुशी देखे अभी से है ना। तो चलो, खैर पापा ने मुझे बुलाया, पापा ने कहा तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है तो वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन उसके कोई रूल्स है। जी हाँ, उसके रूल्स ये है कि वो जो गिफ्ट है वो आपको हासिल करने के लिए आपको एक रिडल और जो हमारी पहली है उसके प्रोसेस से गुजरना होगा। हाँ। तब जाके वो आपको खुशखबरी और वो गिफ्ट आपको मिलेगा। अगर मैं रिडल ना कर पाई तो मैं तो भी आपको पहुंचा दूंगा। चले, बस कोशिश करो, एफर्ट करें। चले, नहीं चलो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। सही है। हाँ, लेकिन आप मुझे पहले तो ये बताओ कि वो चीज है क्या है खाने की। देखिए, इसको इन शॉर्ट करेंगे हम करेंगे। देखिए, मैं आपसे एक पहली पूछूंगा। तो नहीं, मैं उस चीज के बारे में कह रही हूँ, वो चीज क्या है, बिल्कुल यूजफुल है वो। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है। मैं स्टार्ट करता हूँ। अब जो मैंने आपको बताना है वो रिडल गेम हमारा ये है कि मैंने कायनात से पूछनी है पहेली और उस पहेली को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में और फाइंड करना है उसे अपना गिफ्ट, ये वो क्या है जो मैं रिडल के जरिए इस तक पहुँचाऊँगा इसके सही जवाब पर। ठीक है, सो कायनात आप दोबारा सुन लीजिए आप प्लीज़, कि ये जो रिडल, ये पहेली जो मैं पूछ रहा हूँ, इस पहेली को आपने ट्रांसलेट करना है या वट एवर कुछ भी करना है, इसका वो वर्ड आपने फाइंड करना है जो कि आपके तोहफे का नाम है। मतलब जो पहेली पूछोगे तो उसका जो भी आंसर होगा उसको क्या करना है, वो आपका तोहफा होगा, वो गिफ्ट होगा हमारा। ठीक है, इंग्लिश में क्या करना है, वही तो आपने ट्रांसलेट करना है, उस वर्ड तक पहुंचना है, वो जवाब को ट्रांसलेट करना है। हां, तो उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी और वो मेरा तोहफा होगा। अच्छा, ठीक है। तो पहली है, हां, जरा सी बिटिया गर्ज भर की चुटिया। ओनी पॉइंटेड, जरा सी बिटिया गर्ज भर की चुटिया। आप पहचान, थोड़ा दिमाग लगाएं। छुट्टियां आ रही तो फिर कोई बालों पे हो साफ सो रहा है। सोचिए आप। अच्छा, जरा सी बिटिया तो ये बिटिया तो कोई फीमेल पर जा रही है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, नेवर। देखो, गज तो कपड़े में आता है।
बिल्कुल है, गज कपड़े में आते हैं, गज भर की चुटिया, बिल्कुल सुसुई, गज भर की चुटिया, सुई चुटिया धागा के साथ, वो छोटी सी होती है ना इसलिए गज भर की होती है, लंबी भी चुटिया उसके अंदर धागा जाता होगा। गुड गुड, आगे बढ़े, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यू हैव फ्रॉस्ट, जवाब सही है। हाँ ऑलमोस्ट, अभी तो पहला स्टेप है, आगे तो जवाब सही है ना। तो आप मुझे सुई गिफ्ट कर रहे हो? जी तो हाँ जी 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 जी, सुई आपने बताया है, ऑलमोस्ट आप करीब आ गई हो, लेकिन जवाब को क्लियर करो ना, पूरा करो। सुई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसलेट करो। इंग्लिश में सुई बोलेंगे, इंग्लिश को तो मुझे सुई गिफ्ट कर रहे हो। ये तो उर्दू है सुई धागा, तो मतलब अब आपको ट्रांसलेट करना है कि सुई से क्या क्या बनता है इंग्लिश में, क्या मतलब उसका क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, देखें आप याद करें। सुई को इंग्लिश में हार्ड निडल होती है उसकी, तो उसको पेनी कहेंगे। क्या पिन? पिन पिन पिन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिन सुई दे रहा हूँ मैं आपको, पिन दे रहा हूँ आज। देखा मैं सुई धागा देंगे, सुई धागा पिन नहीं दे रहा मैं आपको। अब आपका जवाब मैं मान लूं, आपका जवाब क्या आया? पिन। सो ठीक है, आपका जवाब आया पिन। तो अब मैं आपको देना चाह रहा हूँ, हाँ कपड़े सीने के लिए ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, आपने पहली के जरिए से फाइंड किया सुई, सुई को ट्रांसलेट किया पिन। नहीं, मेरे सारे कपड़े सिले में, लेकिन आज आपका जो गिफ्ट आने वाला है वो आप आईज क्लोज करें आप प्लीज, अपने और आपको मैं दे रहा हूँ पिन, ऐसे पिन, ये ऐसे पिन, ये पिन आया हमारा, ये पिन आ गया आपका बेटा, ये देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, सो गुड, आफ्टर वन वन मंथ आ गया हमारा पिन। ये आपको मैंने इस तरीके से दिया। ओके सो फाइनली आई हैव गॉट माय एडसेंस पिन और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड दिस वाज द बेस्ट 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 एवर गिफ्ट, क्योंकि हम दोनों की मेहनत है इसमें और आप लोगों का साथ है और शोरेन की भी, और शोरेन की भी मेहनत है, ऑफ कोर्स क्यों नहीं। तो आई एम सो हैप्पी और इसको अब मैं डालने वाली हूँ अपना कोड और अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बस मैं कोड डालूंगी एंड आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। आप सब ऐसे ही मुझे और पापा को दुआ में याद रखिएगा, हमें सपोर्ट करें, हमें चैनल को सपोर्ट करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड आपको पता है सारा हमारा माशाल्लाह से प्रोसेस हो चुका है कम्प्लीट एंड दिस इज द लास्ट प्रोसेस, मे बी शायद अभी और थोड़े एक दो हैं वो भी हो जाएंगे आप लोगों की दुआ से। अच्छा, यहाँ मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों के प्यार ताउन और मोहब्बत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का ताउन प्यार हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।